कोरबा जिले की दीपका पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर में 35 लीटर की जरीकनों में डीजल व दो नग ट्रकों में लगने वाली बैटरियां रखकर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे रोशन कुमार सिंह व नवल सिंह गोड को पकड़कर उनके पास से चोरी का डीजल व दो नग बैटरी जुमला कीमत 15,650 रुपए का मसरूका जब्त किया है। रायपुर की अमानाका थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरोना रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के नीचे टाटीबंद में अपने पास रखे भारी मात्रा में मादक पदार्थ हीरोइन को बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे बाइक सवार दो युवक रेशम सिंह व जजवीर सिंह को पकड़कर 1,75,000 रुपए कीमत का 35 ग्राम हीरोइन जब्त किया है। बिलासपुर के सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरा में जमीन विवाद को लेकर आपस में चाकू हसिया तथा मुक्का डंडा से मनहरण साहू सरोज साहू व संदीप साहू को मारकर गंभीर करने वाले आरोपी दिलहरण साहू कमल साहू चिंताराम साहू एवं विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से हसिया चाकू व डंडा जब्त किया है। बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के केवांची पंचायत भवन में शराबखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत के अफसरों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जांच के बाद पंचायत सचिव भागीरथी लहरो को निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, निलंबन के दौरान सचिव को जिला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान पंचायत सचिव बिल्हा के जनपद पंचायत में रहेगा। सारंगगढ़ से 17 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ेली में नरवा नाला साइट में छापेमारी की गई, जहां से 3,000 किलो अवैध महुआ और बड़े बर्तन से गैस चूल्हा और गैस की टंकी भी बरामद की गई है। भिलाई के इलाहाबाद बैंक से रुपए निकालकर अपने गांव मर्रा सतनामी पारा जा रहे बुजुर्ग उमेंद्र कुर्रे की बाइक को रोककर चाकू टिकाकर 1,30,000 रुपए लूटकर फरार होने वाले 5 आरोपी युवराज साहू सोमराज गोलू उर्फ किरोमणि हिमालय बाग और महेश महतो को पकड़कर 1,18,000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस बीच बड़ा बदलाव हुआ, भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को संगठन ने बदल दिया। इसके स्थान पर अब ओम माथुर छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं सह प्रभारी नितिन नबीन को अपने पुराने पद पर बने रहेंगे। बिलासपुर के तखतपुर स्थित झूलेलाल मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। आरोपियों ने मंदिर के भीतर रखे अलमारी में पर्स से सोने की चेन 1 तोला चांदी लॉकेट 9 तोला तथा दूसरे पर्स में रखा नगद रकम 10,000 रुपए सहित दान पेटी के अंदर करीब 5,000 रुपए की दान राशि को चोरी कर लिया है। दुर्ग जिले की वैशाली नगर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के मास्टरमाइंड अरुण कुमार सिंह उर्फ अमन को सुपेला के होटल लैंडमार्क में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं एवं बालिकाओं को अच्छे पेमेंट व काम का प्रलोभन देकर अन्य प्रदेशों से बुलाकर अनैतिक देह व्यापार करने के लिए मजबूर करता था। बिलासपुर रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने वाले मजदूरी के कबाड़ी दुकान संचालक कबाड़ी आशीष पांडे और डब्बू पांडे उसके गाड़ी के चालक अजय मंजारे को पिकअप में लोड मालगाड़ी BCN में लगने वाले लोहे की चादर विभिन्न साइज की 12 नग 3 नग स्पेशल बेरिंग प्लेट 1 नग टाइबर 1 नग स्टेस लिमिटेड बोर्ड तथा 22 नग पेंड्रोल क्लिप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर एवं अपराध गुप्तचर शाखा बिलासपुर ने बुकशुदा रेलवे संपत्ति प्याज पार करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों ने बगतौरा जयराम नगर के मध्य खड़ी मालगाड़ी से 16,500 रुपए कीमत की 23 बोरी प्याज की बोरियां निकाल ली थी। कोरबा जिले की पाली थाना क्षेत्र के ग्राम इरफ निवासी राहुल अपनी बाइक से बहन को छोड़ने ग्राम चैतमा आया था, जहां से वापस अपने गांव जाने निकला। तभी चैतमा के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने राहुल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
खुर्सीपार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जोन 2 स्थित बीएन फर्नीचर वर्कशॉप से चोरी करने वाले दो आरोपी देवार बस्ती निवासी निकेत देवार असलम खान को पकड़कर उनके पास से 12,400 रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। बलौदाबाजार जिले की सुहेला थाना क्षेत्र के अमीरी गांव में सास के तानों व झगड़ा करने से परेशान एक बहू ने अपनी सास की जान ले ली। इस बीच जब फिर से विवाद हुआ तब उसने धारदार हथियार से वार कर सास को मार दिया। इस मामले में पुलिस ने अब आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव जिले की विश्रामपुरी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में गाय चराने जंगल गए युवती के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले युवती को डरा धमका कर जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, फिर उसके साथ रेप किया, घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। FIR के बाद आरोपी बंसीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुंगेली जिले के लोरमी थाना पुलिस ने देर रात तक मोटरसाइकिल में घूमकर चोरी करने वाले ग्राम नवागांव केस्तरपुर थाना लालपुर के से आरोपी राजकुमार पात्रे एवं राहुल लहरे को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उनके पास से 55,600 रुपए कीमत के जेवरात, एक बाइक तथा प्रेजर स्कूटी सहित ताला तोड़ने में प्रयुक्त औजारों को बरामद किया है। सूरजपुर जिले की खड़गवा चौकी पुलिस ने बीते दिनों ग्राम पंपापुर में चोरी का कोयला सहित दो ट्रक एक पिकअप व एक ट्रैक्टर वाहन पकड़ते हुए 40 टन कोयला कीमत 2,00,000 रुपए को जब्त किया है। इस दौरान वाहनों के चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार होने वाले नारायण अग्रवाल उर्फ डाकू, सलीम खान उर्फ सोनू व राजेश्वर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना पुलिस ने ग्राम नुंद्रा में पानी टंकी निर्माण स्थल में 10 बंडल सरिया और एक टुल्लू पंप चोरी कर ले जाने वाले चार आरोपियों को पकड़कर आरोपियों से चोरी का सामान जुमला कीमत 70,000 रुपए बरामद कर आरोपियों को चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले की चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुरसुरा में एक तेज रफ्तार वैन ने युवती की जान ले ली। घर के सामने बैठकर युवती चावल चुन रही थी, इसी दौरान घर के पीछे वाले रास्ते में ओमनी वैन अनियंत्रित होकर तेज गति से पहुंची और युवती को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। परिजन युवती को विश्रामपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी में आग लगा दी है। बालोद जिले के गुंडरदेही नगर से ज्वेलरी शॉप के सामने रखे बुलियोरों को चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर बड़ी सफाई के साथ घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 200 CCTV फुटेज खंगाल कर आरोपी शैलेंद्र सिंह मकान नंबर 242 गुरु नानक नगर स्टेशन रोड दुर्ग को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव की बसंतपुर थाना पुलिस ने विसर्जन झांकी से पहले गौरव पथ पर पिस्तल लहरा रहे युवक को गिरफ्तार किया है। बसंतपुर पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौरव पथ में राजीव नगर रोड पर एक आरोपी चंदन चौधरी पिस्तल लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को धमका रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और घेराबंदी कर चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्तल और 2 नग जिंदा कारतूस भी जब्त किया। राजनांदगांव जिले के छुरिया के कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा के PSO विशाल सिंह को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता सिन्हा के निजी PSO पर अवैध उगाही के लिए धमकाने का आरोप है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी PSO को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी रेंजर से नकदी व जेवर समेत लाखों की हुई लूट का मामला कनकी जिले की पखांजूर पुलिस ने सुलझाते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डिप्टी रेंजर का पड़ोसी निकला, जो डिप्टी रेंजर की निजी गाड़ी भी चलाता था। आरोपी ड्राइवर प्रभास महलदार वन विभाग का दैनिक कर्मचारी है, उसने डिप्टी रेंजर को बैंक से लाखों रुपए लाते देखा। अमुजा सीमेंट कंपनी में दत्ता इंटरप्राइजेस के अंतर्गत मजदूर सुंदरलाल वर्मा की काम के दौरान तबीयत बिगड़ने और उसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।
मृतक के परिजन और ग्रामीण कंपनी के गेट पर शव रखकर मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रोजगार की मांग को लेकर एनएमडीसी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को भी 12 पंचायतों के हजारों बेरोजगार युवक युवतियां लगातार दूसरे दिन भी बचेली प्लांट चेकपोस्ट के सामने आंदोलन में बैठे हुए हैं। आंदोलन के कारण पिछले दो दिनों से एनएमडीसी बचेली प्लांट में प्रोडक्शन भी बंद है। ऐसे में कंपनी को अब तक करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। बीजापुर जिले में उसूर थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रेशर आईडी की चपेट में आकर एक महिला घायल हो गई। महिला की आंख समेत शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर है। गरियाबंद में स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़क में रायपुर के कमिश्नर के बाबू सोहन बघेल की मौके पर मौत हो गई। चालक सीट बेल्ट बांध कर रखा था, इसलिए उसकी जान बच गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 130 सी पर जुगाड़ मोड़ के पास हुआ। घटना की पुष्टि एसडीओपी अनुज गुप्ता ने की है। बिलासपुर की सीपत थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की के परिजनों की रिपोर्ट पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी चंद्रहास भोई और सोनू को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी का पुणे में होने की पुष्टि होने के बाद बिलासपुर की टीम ने पुणे में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में ग्राम धुरवाकारी मुख्य मार्ग पर हाथ में एक लोहे की तलवार रखकर आम लोगों को डरा धमका रहे आरोपी दुर्गेश यादव को तलवार के साथ मस्तूरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्टैंड से तय समय से लेट बस छोड़ने के विवाद पर कंडक्टर के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद सहनवाज उर्फ जावेद को बिलासपुर की सिविटी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मां शारदा बस सर्विस बस स्टैंड तिफरा में टिकट कंडक्टर अजय कुमार शुक्ला की शिकायत पर किया है।